बहुत से लोग वाटर स्लाइड लेने के बहुत शौकीन होते हैं, पर जो लोग थ्रिल एक्सपीरियंस के शौकीन होते हैं उनका मानना है कि असल मजा उस वाटर स्लाइड का आता है जहां से रिस्क हो गिरने का या इवन मरने का। ऐसी बहुत सी राइड मौजूद भी हैं जहां से कुछ लोग स्लाइड लेते लेते बुरी तरह इंजरी हो गए और कुछ लोग मौत के मुंह में भी चले गए हैं। इसी वजह से जब कुछ लोग ऐसी स्लाइड पर स्लाइड लेने से ऐसे घबराते हैं जैसे ये स्लाइड उनकी जिंदगी की भी आखिरी स्लाइड हो। नंबर 6, स्कॉर्पियन टेल। यूनाइटेड स्टेट के आर्कवार्क पार्क में मौजूद बड़ी खतरनाक स्लाइड। इस स्लाइड के खतरनाक होने की वजह इसकी स्पीड है। जो शख्स भी इसकी राइड लेना चाहता हो उसे सबसे पहले एक कैप्सूल में डालकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं ताकि 80 मील पर आवर की स्पीड से स्लाइड लेता हो बगैर किसी रेस्ट के टनल से बैर को निकल जाए। पर जैसे ये राइड स्टार्ट होती है तो लोग टेल शेप में काफी ज्यादा स्पीड से स्लाइड लेते हुए घबराहट का शिकार हो जाते हैं। खुद को सेव करने के चक्रों में जब लोग हाथ पांव खोलकर इस टनल से खुद को रोकने की कोशिश करते हैं तो रगड़ की वजह से इंजर्ड भी हो जाते हैं। पर कुछ लोग ज्यादा हाथ पांव को रगड़े हैं तो फिर स्पीड की काफी कम होने की वजह से वो लोग 4 फीट लंबी राइड लेने की बजाय 2 फीट तक की राइड ले पाते हैं और आधे रस्ते से पीछे वापस आ जाते हैं। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उन्होंने इंजरी होने के साथ साथ इस टनल में अपनी सांस बंद होने का भी जरूर कहा है। नंबर 5, ब्लैक होल। इस वाटर स्लाइड को पूरी तरह अंदर से ब्लैक बनाया गया है जिस वजह से ये इसमें पूरी तरह अंधेरा ही रहता है। इस स्लाइड को ब्लैक होल थ्योरी से इंस्पायर होकर उसी अंदाज में बनाया गया है। इसको मजीद ब्लैक होल की तरह बनाने के लिए इसमें काफी ज्यादा डिफरेंट डिजाइन और कलर की LED लाइट भी नस्ब की गई है। इसके साथ साथ एक अजीबोगरीब म्यूजिक भी लगाया गया है। इसमें जो शख्स भी स्लाइड लेता है उसे ऐसे ही महसूस होता है जैसे वो किसी गहरे होल में गिरता ही चला जा रहा हो। इवन इस स्लाइड में उन्हीं शख्स को टिकट भी दी जाती है जो शख्स मजबूत दिल वाले हो, लेकिन इसके बावजूद वो भी घबराहट का शिकार जरूर हो जाते हैं। इनसे भी ज्यादा खतरनाक और अनयूजुअल स्लाइड जहाँ पर सिर्फ मजबूत दिल वाले लोगों को स्लाइड लेने की इजाजत है और उन्हीं स्लाइड पर कुछ लोग मौत के मुंह में भी चले गए हैं, उनको देखें। अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईपक शो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 4, इंसानो। ब्राजील के पीच पर बनाई गई दिल दहला देने वाली स्लाइड। इस वाटर स्लाइड की हाइट 14 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इतनी ऊंचाई की वजह से अभी तक ये दुनिया की दूसरी बड़ी स्लाइड है। ये स्लाइड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो देती है पर इस स्लाइड का एक काफी बड़ा खतरा भी होता है। जैसे ही राइडर स्लाइड में जाता है तो पहले बड़े ही आराम से स्लाइड लेता हुआ आगे को बढ़ता है, पर कुछ ही फासले के बाद अचानक ये स्लाइड जमीन की तरफ बेंड हो जाती है जिससे राइडर हवा में उड़ने का भी एक्सपीरियंस लेता है। एक तो काफी ज्यादा बेंड होने की वजह से राइड 105 किलोमीटर/आवर की स्पीड से स्लाइड लेता है और दूसरी खतरनाक बात यह है कि इसके स्लाइड के ऊपर कोई सेफ्टी बॉक्स नहीं है, यानी अगर राइडर घबराकर कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो वो जमीन पर सीधा आ गिर सकता है। अलबत्ता अभी तक ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है लेकिन डर जरूर लगा रहता है। इस स्लाइड की काफी ज्यादा ऊंचाई की वजह से इसे गाइडेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल किया गया। नंबर 3, स्पीडी टॉयस्टर। ऑस्ट्रिया में मौजूद 2 वाटर स्लाइड और ट्विस्टर। इन वाटर स्लाइड को देखकर ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर वो स्लाइड लें तो उनके साथ क्या होने वाला है। इन स्लाइड में जो भी जाता है वो समझता है कि पूरी दुनिया ऐसे ही घूम रही है जैसे वो इन स्लाइड में घूम रहे हैं। ये स्लाइड 3 वजह से काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनाती हैं। एक तो इनका काफी ज्यादा घुमाव, दूसरी स्पीड, तीसरे नंबर पर इनकी लंबाई है। यानी स्पीडी की राइड 460 फीट तक और ट्विस्टर की 660 फीट तक लंबाई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि राइडर की क्या हालत होती होगी इतनी लंबी और मैनी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के साथ। नंबर 2, लीप ऑफ फेथ। दुनिया में मौजूद बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का वाटर स्लाइड। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये एक पुराने दौर के मंदिर या दुनिया में मौजूद बड़े ही पुरेसरार पैरामिड की तरह लगता है, लेकिन असल थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इसकी बनावट नहीं बल्कि कई फीट गहरा तालाब है जहाँ से स्लाइडर ने गुजरना होता है। इस स्लाइड की लंबाई 60 फीट तक ही होती है। जैसे स्लाइडर इस वाटर टनल में छलांग लगाता है तो उसे ऐसे ही महसूस होता है जैसे वो शार्क जैसे मछलियों के पेट में जा रहा है। तालाब में बनी वाटर टनल पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है जो और ज्यादा करेज पैदा करती है। नंबर 1, बोराकेट। दुनिया की सबसे ऊंची और खतरे से भरी हुई वाटर स्लाइड जो अमेरिका के सिटी कंसास में मौजूद है। इस वाटर स्लाइड को 2014 में बनाया गया था। इसकी बुलंदी 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इंसानों की तरह यह भी अचानक जमीन की तरफ बेंड हो जाती है, पर इस स्लाइड को बनाते हुए शायद डिफरेंट वजन के लोगों का एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था जिस वजह से कुछ लोग इसमें राइड लेते हुए ओवर स्पीड की वजह से इसके ऊपर लगी जालियों से भी टकरा जाते हैं।
एक आदमी का चेहरा पूरी तरह इंजर्ड हो गया था, फिर भी लोग राइड लेने से बाज नहीं आए। एक दिन एक 10 साल लड़का राइड लेते हुए जालियों से टकरा कर अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब यह खबर मीडिया पर आई, फौरन ही गवर्नमेंट ने इस राइड को बैन कर दिया और साथ साथ इसके ऑनर को भी भारी जुर्माना भी किया। आज की दिखाई जाने वाले खतरनाक स्लाइड के बारे में बस इतना ही। आपको कौन सी राइड आपके ख्याल में ज्यादा खतरनाक है और आप भी इस पर राइड लेने के लुत्फ उठाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटअप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।